सर जैसे यहाँ तक अपना कॉइनेज जो था वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कुछ नया और अलग दिख रहा है जिसमें मेडल्स के बारे में कुछ जानकारी है, इसके बारे में कुछ देखिए, ये क्वाइन नहीं है। अच्छा, और आज हम भारत की 75वीं आजादी की सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल, तो आज के दिन इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये वो मेडल हैं कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति ने, ये सैनिकों को अवार्ड किया वाला मेडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि सैनिकों का नाम है और ये मेडल के नाम होते हैं, जैसे समर सेवा अवार्ड किसी को मिला है, इंडिपेंडेंट अवार्ड किसी को मिला है, पश्चिमी स्टार मिला है। आप एक एक मेडल पे देखेंगे तो वो सोल्जर के नाम इस पे लिखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि वो सोल्जर को मेडल मिलने के बाद ये बड़ा दुख होता है हम लोगों को, कि उनके आने वाली पुस्तों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और वो लोग इसको मार्केट में बेच देते हैं। अरे, सिर्फ ये मेल करना हो, इसीलिए हम सभी लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, हमारे जितने न्यूज मेटिस्ट हैं, मुद्रा शास्त्री हैं, कि कोई भी मेडल अगर ऐसा बिकता है तो उसको तुरंत परचेस कर लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग गला देंगे। तो ये इस पे सबके नाम लिखे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। जिस भी सोल्जर को मिला है आज वो ऑनर के साथ यहाँ है, यानी हम उनको देख के आज उनकी याद कर सकते हैं। तो ये सब मेडल के अलग अलग नाम है, समर सेवा मेडल, पश्चिमी मेडल, संग्राम मेडल, कुछ पुलिस मेडल। अच्छा, ये भी सब मेडल, ये सभी मेडल है और ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सबको दिया। ये स्पेशल सर्विस मेडल है, सबके नाम है, ये पुलिस का स्पेशल मेडल है ये। अच्छा, ये जब हमारा देश 50वीं सालगिरह मना रहा था तो 50 इंडिपेंडेंट का मेडल है ये। अरे वाह, तो उस समय जो भी सोल्जर हुआ था उसको ये अवार्ड हुआ है। बिल्कुल, ये उसके मेडल है जो यहाँ पर एकदम सुरक्षित है। अरे, इसको देख के हमें गर्व महसूस होता है कि ये हमारे देश के सैनिकों के मेडल और सर ये दिखने में भी ऐसा कलरफुल और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इस क्वाइन गैलरी में अगर इतिहास के छात्र आते हैं तो उनको देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर उनके साथ अगर कोई छोटे बच्चे आते हैं स्कूल, हाँ, हाँ, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उसको शब्द डाला है वर्ल्ड ऑफ द क्वाइन, क्वाइंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी सिक्कों की दुनिया, दुनिया के सिक्के, यानी इसमें हमारे दुनिया में जितने कंट्री है उनके यहाँ पर एक 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 सिक्के रखे हैं, जिसको देख सकते हैं आपकी। अच्छा, अफगानिस्तान का भी है, ईरान का भी है, इराक का भी है, इटली का भी है, जापान का भी है, सारी पाकिस्तान का भी है, थाईलैंड का भी है, स्विट्जरलैंड का भी है। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेम है कि जो बच्चे इसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखावट है वो हम पढ़े जा सकते हैं, ऑलमोस्ट इसमें इंग्लिश में लिखा रहता, तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में इतना अच्छा है, अच्छा रहता। ये सब पॉइंट्स जैसे आपने बच्चों के हिसाब से आपने रखे हुए हैं, और ये जो है ये भी आपकी इतना अच्छा कलेक्शन है और इतना नॉलेजेबल है वो, तो इन सब के चलते आप आज के जो यंगस्टर्स है या जिनको इसमें इंटरेस्ट है या बच्चे हैं जिनके लिए आपने इतना अच्छा ये कलेक्शन करके रखा हुआ, उन सब के लिए आप एक छोटा सा कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जिससे मोटिवेट हो सके, संदेश दूंगा। देखिए, ये सिक्के हमारी धरोहर है, सिक्के हमारी संस्कृति है। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति को अगर नहीं सजोगे तो आने वाला जो पीढ़ी है वो कभी माफ नहीं करेगी। सिक्कों पे से हमारे उस समय की स्थिति, हमारी इकोनॉमिक्स कैसे रही होगी, हमारी उस जमाने की अर्थव्यवस्था कैसे रही होगी, हम क्या पहना करते थे, हाँ, उस सिक्कों के माध्यम से हमें सब चीज दर्शाता है। अच्छा, और सिक्का एक रिटर्न एविडेंस है, इतना रिटर्न एविडेंस है कि इतिहास बनता किससे, इतिहास बनता है शिलालेखों से, रिटर्न एविडेंस से, नए स्मारकों से। तो सिक्के एक ऐसी चीज है कि जो इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है, तो इसीलिए हमें ये धरोहर भविष्य के लिए बहुत सजो के रखना चाहिए। और मैं तो हर जगह जाता हूँ तो स्कूल और कॉलेज में एक जरूर आखिरी शब्द बोल के, और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में कुछ भी दिखाइए, लेकिन ये जो मेरे दो शब्द हैं इसको जरूर दिखाइएगा। आप अपने बच्चों को अगर कभी भी कोई अच्छी हॉबी देना है ना, तो या तो फिलेटली डाक टिकट की हॉबी दीजिए या तो कॉइन कलेक्शन की हॉबी दीजिए। अच्छा, जिस दिन बच्चों को आप अगर ये आदत लगा देंगे उस दिन बच्चा सिगरेट, खर्रा, गुटखा, आज हमारे बच्चों में ये बहुत ज्यादा प्रमाण है। बिल्कुल, और हम अपने बच्चों को नए नए एकदम टेलीफोन, उनको हर फैसिलिटी देते हैं, अपने बच्चों को हर फैसिलिटी दीजिए, लेकिन उसको एक अच्छी हॉबी दीजिए। और हॉबी में किंग ऑफ हॉबीज फिलेटली है, जो डाक टिकट है, लेकिन आज के तारीख में किंग ऑफ हॉबीज हमारे न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र भी है। सिक्के जमा करना और सिक्के जमा करके हमारा इतिहास को प्रिजर्व करना,
जो बच्चों को सिक्के की आदत लग जाएगी ना, तो उसके पास जो भी पैसा जमा होगा वो पान गुटखा नहीं खाएगा, वो सिक्का खरीदेगा और वो कलेक्शन करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारे अगर धरोहर को सजोना है तो हम अभी से यंग जनरेशन है, हमारे नन्हे बच्चों से हम आदत लगाए अच्छी हॉबी डालने का, ताकि वो बड़ा होते होते एक बहुत अच्छा वो कॉइन कलेक्टर बन जाए या अच्छा फिलेटलिस्ट बन जाए। तर रसिका हो, ही अशी होती आपली नाण्यांची दुनिया आणि असा होता हा नाण्यांचा संग्रह। तर अशोकजी, अशोक भैयांनी आपके इतने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी, आपका भी और जो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। तर असे मी अशोक भैयांचे आभार मानत माझी मैत्रीण जुही बेहार हिच्यासोबत निरोप घेते। धन्यवाद।